दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक्नोलॉज पर। और आपको भी कभी कभी GBA गेम्स खेलने का मन करता होगा आपके PC पर आप उसे खेल नहीं पाते होंगे, तो उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आज हम आपके लिए ये वीडियो लेके आए हैं, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप GBA गेम्स अपने PC पर कैसे खेल सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र पर चले जाइए और यहाँ पर लिख दीजिए विजुअल बॉय एडवांस डाउनलोड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं VBA एम्यूलेटर। तो इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे जो फोर्थ साइट आपको दिख रहा है एम्यूलेटर जोन का, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, जिससे आपके सामने एक पेज खुलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी लोडिंग हो रहा है और हमारा जो पेज है वो जल्दी खुल जाएगा। तो देख सकते हैं हमारा पेज खुल चुका है और यहाँ पर जो फर्स्ट लिंक आपको दिख रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो विजुअल बॉय एडवांस 1.8.0 Beta 3 लिखा है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और ये बहुत ही कम MB का भी नहीं है, KB का है, 645 KB। तो ये आपका ये जो है ये बहुत जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया है और यहाँ पर अभी सेव फाइल का ऑप्शन आने वाला है, तो हम थोड़ा देर वेट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आ गया है और यहाँ पे हमने जो GBA नाम का फोल्डर बनाया था उसमें हम इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो है ये विनजिप फाइल में सेव होगा, तो आप इसको सेव कर लीजिए। तो जैसे कि हम इसको सेव कर लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये डायरेक्ट डाउनलोड हो गया है। इसको आप भी विन फोल्डर कर सकते हैं कि यहाँ पर ये डाउनलोड हुआ कि नहीं हुआ। तो देख सकते हैं ये डाउनलोड हो चुका है। फिर आप इस पर राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लीजिए इसको, और देख सकते हैं ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है और एप्लीकेशन जो है वो 1 MB का हो चुका है। अब आपको जो सेकेंड स्टेप है इसमें आपको डाउनलोड करना पड़ेगा GBA ROM। तो इसके लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे आपको Asgray का GBA ROM डाउनलोड करके दिखा रहे हैं, आप ऐसे ही कोई दूसरा ROM भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा Pokemon Asgray GBA ROM डाउनलोड। तो यहाँ पर आप ऐसा लिखेंगे तो यहाँ पर आपको जो फर्स्ट साइट दिखेगा इसके ऊपर आपको क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। पर यहाँ पे मैंने 2 बार डाउनलोड लिख दिया था इसलिए इसको एक बार कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो फर्स्ट साइट है GBAhex.blogspot वाला, इसके ऊपर आपको क्लिक करके आपका जो रोम है उसको डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो वर्ज़न है 4.5.3 और अपडेटेड मार्च 2017। तो यहाँ पर आप इसको MediaFire से डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल ड्राइव पर डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल ड्राइव 2 से भी डाउनलोड कर सकते हैं और SandSpace पर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इसको MediaFire से डाउनलोड कर लेता हूँ, आसानी से डाउनलोड हो जाएगा और जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। तो हम इस MediaFire पे क्लिक कर देते हैं और ये जो पेज है अभी हमारा लोड हो रहा है और खुलने वाला है, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं ये डायरेक्ट यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिखा दिया। अच्छा हुआ MediaFire का वो साइट नहीं खुला, तो यहीं से डायरेक्ट डाउनलोड कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये 5.6 MB का है। तो हम इस वीडियो को थोड़ा पॉज कर देते हैं और स्किप कर देते हैं। हमारा नेट जो है वो भी थोड़ा स्लो चल रहा है, तो हम इस वीडियो को थोड़ा स्किप कर देते हैं। बस यहाँ पे 2 मिनट्स लेफ्ट हैं, हम इस वीडियो को थोड़ा स्किप कर देते हैं। तो बस मैंने इस वीडियो को कर दिया स्किप। आप देख सकते हैं अब यहाँ पर जो GBA फोल्डर है इसमें हमारा जो दोनों फाइल्स हैं वो डाउनलोड हो चुके हैं। एक जो है वो है 5 MB का और एक जो है 645 KB का। तो हम लोगों को इस दोनों फाइल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो आप यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे जो आपको एक्सट्रैक्ट हियर ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम इसको क्लिक कर देते हैं और ये जो हो Asgray Beta 4.5.3.GBA ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है। और ऐसे ही हमें विजुअल बॉय एडवांस को भी एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये विजुअल बॉय एडवांस भी एक्सट्रैक्ट हो गया है, अब ये दोनों एक्सट्रैक्ट हो गया। तो इसको ओपन करने के लिए जो गेम है उसको ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको विजुअल बॉय एडवांस का जो एप्लीकेशन है इसको ओपन करना पड़ेगा। तो इसको आप ओपन कर लीजिए और यहाँ पे जैसे ये सिंपली ओपन हो गया और यहाँ पर जो फाइल ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करके सिंपली ओपन पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर जो आपका GBA फाइल है इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपका जो गेम है वो रन हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो ये बस चालू हो जाएगा। आपको एक आवाज़ सुनाई देगी जिससे ये चालू हो गया पता चल जाएगा। तो आप देख सकते हैं